राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आप लोगों के जीवन में कोई परेशानी ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, कोई बीमारी ना रहे, कोई भी दुविधा ना रहे। आप लोग खूब खुश रहें, आबाद रहें, खूब टेंशन में मुक्त रहें, कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में ना आए। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मैं संजीव ठाकुर, मैं आपके पास आता रहता हूँ, अच्छे अच्छे उपाय आप लोगों को बताता रहता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो अवश्य ही और अवश्य ही आज शुक्र का उपाय, ऐसा उपाय आज आपको बताने वाला हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और जो मैरिड है उनकी बीवियों का और पतियों का तो बल्ले बल्ले है। और देखो, बीवी और पति दोनों ही ये उपाय कर सकते हैं, और जो अनमैरिड है उनके लिए भी उपाय लेके आया हूँ, दुखी मत होइएगा आप लोग। शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो हमारा सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है। जय श्री राधे। शुक्र हम कहते हैं हमारी पत्नी को, पति को, हमारे सौंदर्य को, हमारे गालों को, हमारे जीवन के जोश को, हमारी लग्जरी को, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, आराम, सुख सुविधाएं, ये सारे ही शुक्र से मिलता है हमें। अब भैया, शुक्र को करें कैसे हम ठीक? अगर सब कुछ शुक्र से मिलता है तो कैसे करें शुक्र को ठीक? कि भाई हमारी ब्यूटी भी बन जाए, हम सुंदर भी लगने लग जाएं, हम अट्रैक्टिव होने लग जाएं, हमारा ऑरा ठीक हो जाए, हमसे लोग सारे अट्रैक्ट हों, हम सुंदर लगे, स्किन भी एकदम प्यारी हो जाए और गोरे भी हम हो जाएं, हमें सारी सुख सुविधाएं, वैभव भी मिले। इतना प्यारा आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, पहले सबसे पहले मैरिड लोगों के लिए। अब सारे बोलेंगे गुरुजी जो अनमैरिड है वो बेचारा क्या करे? ऐसा नहीं है, आपके लिए भी बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा, घर में ही आप कर सकते हैं, घर में मज़े से। तो आपने जो जितने भी मैरिड हैं मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग, आप लोग क्या कर सकते हैं? आप अपनी वाइफ को एक चाय बना के पिला सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, चाय से क्या होगा? ऐसा उपाय आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो मैरिड लोग हैं, फ्री का। मुझे पता है कई लोग आदमी लोग कहेंगे मैं तो मर्द हूँ, मैं कुछ चाय बना के पिलाऊँ। भाई नहीं, ऐसा नहीं सोचना भाई, ऐसा मत सोचिए, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप ये सोचिए आपका शुक्र अच्छा होगा तो आपके जीवन में जोश आएगा, आप सुंदर हो जाएंगे, आपके गाल खिल जाएंगे, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, ओज आ जाएगी आपके अंदर, आपको गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, धन दौलत, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। मत सोचिए ज़्यादा, अपने घमंड को दर किनारे कीजिए, एक तरफ कर दीजिए अपने घमंड को। अपनी वाइफ को बड़े प्यार से चाय बना के, या अपने पति को बड़े प्यार से चाय बना के पिलाइए। इतना शुक्र मैंने इससे अच्छा होते हुए देखा है। और एक और चीज़, कभी कभार मौका लगे तो पैर भी छू लीजिए। सारी पत्नियां बोलेंगी हम तो छू लेते हैं, हमारे हस्बैंड ही नहीं छुएंगे। हस्बैंड को फिर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के, कभी कभार आप भी माँ लक्ष्मी, क्योंकि शुक्र जो है वो माँ लक्ष्मी है, पैर छू लीजिए अपनी वाइफ के। ओहो, कई लोग तो ऐसे मुझे इस समय वीडियो में घूर घूर के देख रहे होंगे बुरी तरह से, और कह रहे होंगे क्या गुरु जी, कैसा गुरु है ये। तो बुरा मत मानिए, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं मात्र आपको शुक्र अच्छा करने के उपाय बता रहा हूँ। अपना घमंड,
अपनी गर्दन ऊंची, अपनी मूंछ ऊंची, सब कुछ भूल जाइए इस समय। इसे मात्र आप शुक्र का उपाय समझिए और अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा मत समझिए। ये फ्री के उपाय बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फ्री के उपाय, जिसको करने से आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप सीधा शुक्र को ही प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वाइफ और आपका पति आपका शुक्र है। और सीधा अगर आपने शुक्र को ही प्रसन्न कर दिया, शुक्र को ही मग्ध मुग्ध कर दिया, तो क्या मैं कहता हूँ कितने खराब से खराब शुक्र हो आपका, आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद। और अब मैं आता हूँ जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो बेचारे कमज़ोर हैं, जिनके जीवन में जोश ही नहीं, गाल पिचके हुए हैं, ना गाड़ी ना बंगला ना पैसा ना नौकर चाकर ना धन धान्य ना लक्ष्मी माँ की कृपा। अब देखिए, लक्ष्मी माँ की कृपा होगी तो नौकरी भी लगेगी, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, हर जगह से पैसा आएगा, पैसे से नौकर चाकर आएंगे, गाड़ी बंगला आएगा, है ना, आएगा तो सब पैसे से ही, शुक्र से ही, माँ लक्ष्मी की कृपा से ही। सिंपल सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, आपने क्या करना है, प्योर शुक्र लेना है, मतलब कि दही। हाँ जी, आप लोगों ने दही लेना है, प्योर शुक्र, एकदम प्योर शुक्र। प्योर शुक्र कैसे होगा, एक दही का कसोला ले आइए मिट्टी का, ध्यानपूर्वक मेरी बात को आपने सुनना है, बड़े ध्यानपूर्वक, एक मिट्टी का कसोला लेके आइए आप, मिट्टी के कसोले में रात को दही जमाइए अपने ही घर में। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आप दही बाहर से ले आएंगे, वो दही को जमाने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं लोग, आप कंपनीज की दही लेके आएंगे वो भी दही को जमाने के लिए केमिकल, आजकल वो जो कहते हैं ना पानी के, दही के पानी के, पानी का यूज़ नहीं करते हैं, खटाई का यूज़ नहीं करते हैं, वो केमिकल्स का यूज़ करने लग गए हैं आजकल। तो हमें प्योर शुक्र चाहिए, ओरिजिनल शुक्र। अब आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपने जब वो दही आपने कर लिया, सुबह रात को आपने दही को जमाना है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, स्टील के कटोरे में नहीं जमाना है, स्टील के बर्तन में नहीं जमाना है, या पीतल के बर्तन में नहीं जमा, पीतल के बर्तन में तो जमाते ही नहीं है, पीतल में भी नहीं जमाना है, एल्यूमिनियम में भी नहीं जमाना है, क्योंकि राहु और बृहस्पति का मिलन हो जाएगा उसमें। आपने मिट्टी का ही बर्तन लेना, मिट्टी का बर्तन शुक्र होता है ना, मिट्टी का बर्तन क्या होता है बताइए, क्या होता है, मंगल नेक और शुक्र, क्या होता है, मंगल नेक और शुक्र, मिट्टी का जो बर्तन होता है लाल रंग का, और उसमें जब आप दूध डालते हैं और उसे फाड़ते हैं तो वो दही बन जाता है, जब जमाते हैं दूध को, ठीक है, तो वो शुक्र, मिट्टी के बर्तन में ही दही जमेगा तो वो प्योर शुक्र की फॉर्म होगी। फिर उस दही से आपने स्नान करना है, पूरे बदन पे वो दही लगाना है आपने। दही लगाने के बाद आप थोड़ी देर आप रुकिए पूरे शरीर पे दही लगाने के बाद, फिर अच्छी तरह से आपने नहा लेना है, बढ़िया तरीके से आपने नहा लेना है। ये उपाय मात्र से मैं कहता हूँ आप एक हफ्ता करके देख लीजिए ये उपाय, आप चमत्कार को नमस्कार करेंगे, आपको इतनी पॉजिटिविटी आएगी, इतने आप जोश में रहेंगे, उमंग में रहेंगे, खुश रहेंगे, पैसा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसने लगेगी, शादी नहीं हो रही है शादी हो जाएगी, मियाँ बीबी के लड़ाई झगड़े रहते हैं धीरे धीरे शांति आने लग जाएगी आपके लड़ाई झगड़े में, मियाँ बीबी में प्यार बढ़ जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो बिजनेस चलेगा, नौकरी लगेगी, अच्छा पैसा आएगा, नौकर चाकर गाड़ी सबका आराम मिलना शुरू हो जाएगा, अपने जीवन में जोश महसूस करेंगे आप। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम और उपाय, रेमेडीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कोई भी आपका सजेशन है प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, और रात को 10 बजे फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम पे
जुड़ना मत भूलिए प्लीज़, ज़रूर जुड़िए फोन इन लाइव प्रोग्राम में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। राधे राधे राधे।